जी आज सहारनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम है, उसी संबंध में इधर आए हैं। तो क्या मांग है, क्या किस चीज़ की समस्या है? देखिए, आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामधनी बीन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये 8 लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। इसका उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों की सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार देगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ आबादी वाले यदि प्रदेश अलग बने हैं तो उत्तर प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा जाए। इसके लिए हम पूरी उत्तर प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। बगल का स्टेट है दिल्ली, 210 यूनिट बिजली 70 रुपये में मिलती है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में 210 यूनिट बिजली 230 रुपये में मिलती है। यहाँ सोने के तार पर सप्लाई होती है, वहाँ लोहे के तार। इस नाते हम लोगों का मानना है कि फिर भेदभाव क्यों? एक देश एक टैक्स, एक देश एक प्रधानमंत्री, तो फिर ये दो तरह की व्यवस्था क्यों? हम लोग इस देश में समान शिक्षा चाहते हैं, स्नातकोत्तर तक सभी जाति के गरीबों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। उत्तर प्रदेश में तमाम गरीब, कमजोर, वंचित समाज के लोग हैं जो आज शासन प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे बच्चों को उत्तर प्रदेश में 300 निःशुल्क कोचिंग, IAS, PCS, मेडिकल इंजीनियरिंग, निःशुल्क कोचिंग खोल करके हम उनको ट्रेनिंग दिला करके हम उनको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की तैयारी। ये हम उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, 1700 थाने में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जुल्म, जाति, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। सरकार अपराधियों को बचाने में लगी, SP से लेकर के DM से लेकर मुख्यमंत्री तक सब अपराधी को बचाने में लगे हैं, क्योंकि अपराधी उनकी जाति के हैं, ज़्यादातर उन्हीं की जाति के लोग अत्याचार कर रहे हैं। अभी इधर 4 दिन के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि हाथरस की घटना अभी ठंडा भी नहीं हुई, तब तक बलरामपुर हो गया। बलरामपुर की चर्चा भी हुई नहीं तब तक भदोही हो गया। भदोही की चर्चा शुरू नहीं हुई, आजमगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर शहर हो गया, आपके चंदौली में हो गया। इधर 9 घटनाएं गैंगरेप की हुई है और ये सरकार कुंभकर्ण की मीत हुई है। ये कहते हैं कि हम राम राज ले आए हैं, इस राम राज से तो बढ़िया रावण राज था जो सीता जी को हर के ले गया, लेकिन उनको सम्मान के साथ रखा था और बाईजी को उनको इससे तो बढ़िया रावण राज था। इस नाते जो हम लोग सोच रहे, इस विचारधारा को हम लोग जन जन तक फैलाने के लिए काम।